नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, एक नेचुरोपैथ, एक नेचुरल हीलर, जो बिलीव करती हूं कि हॉलिस्टिक हीलिंग से ही अपने आप को सही रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छी हेल्थ के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हमसे बन पड़ता है, वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ है वही हमारी रियल वेल्थ है। हेल्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी हो, उसके बाल अच्छे हों, लंबे हों, घने हों, खूबसूरत हो, उसकी स्किन बहुत अच्छी हो, उसकी त्वचा पे ग्लो हो, और ये सब चाहने से नहीं, इसके लिए काम करने से मिलेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आपके स्किन इस एज में भी सही है, जो आप इस एज में भी बहुत एक्टिव हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह उठ के अपना दिन कैसे शुरू करती हूँ। लेकिन अपना रूटीन बताने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंचती रहे। तो आज मैं बात करूंगी अपने डेली रूटीन। डेली रूटीन बताने के साथ साथ मैं आपके साथ एक और चीज भी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा फ्रूट जिसको आप सुपर फ्रूट कह सकते हैं, जिसको आप गुणों का खजाना कह सकते हैं, जिसको आप अपनी हेल्थ का खजाना कह सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगी। और वो जो है उसको मैं अपने डेली रूटीन में शामिल जरूर करती हूँ, चाहे किसी भी रूप में करूं। तो ये फ्रूट है, आप अंदाजा लगाइए, ये है इंडियन गूसबेरी यानी के आंवला। आंवला को आयुर्वेद ने सुपर रसायन कहा है। सुपर रसायन यानी कि इसके अंदर इतने सारे गुण है कि आप किसी भी चीज का नाम लो उसके लिए अच्छा है। आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी काफी मात्रा में मिलता है। अगर रेगुलरली आंवले का सेवन किया जाए तो ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचा के रख सकता है। ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को इकट्ठा नहीं होने देगा, हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। आपने त्रिफला का नाम सुना है, त्रिफला में भी मेन इंग्रेडिएंट आंवला होता है। तो ये आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसको अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं और इसको हम कई तरीके से शामिल कर सकते हैं। आंवला न्यूट्रिशन का खजाना है, या आप कह सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए एक खजाना है। अगर आप आंवला यूज करते हैं तो सेहत के खजाने की चाबी आपके हाथ में आ जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपना दिन कैसे शुरू करती हूँ। मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, 5:30 तक उठने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल सके योगा के लिए, प्राणायाम के लिए, और सूरज के साथ साथ उठना जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उठने के बाद मेरा पहला काम होता है ल्यूक वॉर्म वाटर पीना, पानी पीना। 2 गिलास मैं पानी पीती हूँ, 1 प्लेन पानी पीती हूँ और 1 पीती हूँ आंवला जूस के साथ। सीजन में फ्रेश आंवला मिलता है तो फ्रेश आंवले का जूस बनाते हैं, और अगर नहीं तो किसी भी अच्छी ब्रांड का हम आंवला जूस ले सकते हैं। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछते हैं तो मैं यूज करती हूँ डाबर का आंवला जूस। डाबर का इसलिए क्योंकि डाबर एक बहुत पुरानी ब्रांड है, डाबर के मैंने कई चीजें यूज की हुई है, डाबर पर मुझे फेथ है, इसलिए मैं डाबर का आंवला जूस लेती हूँ। ये प्योर फॉर्म में होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, इसमें एडिड कलर नहीं होते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। ये हार्ट के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, इवन आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लगातार आंवला जूस लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और जो चीज डाइजेशन के लिए अच्छी है वो आपका वेट नहीं बढ़ने देगी। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आंवला जूस को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपने वेट को भी मैनेज करके रख सकते हैं। और इसमें मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये बना बनाया है। तो इसकी ये कैप होती है, इसको एक ढक्कन भर के मैं अपने 1 गिलास पानी में डालती हूँ और मिला के पी लेती हूँ। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके धीरे धीरे उसे सिप सिप करके पीऊँ ताकि वो मुझे मैक्सिमम फायदा दे। और मैं इसे हमेशा एम्प्टी स्टमक पीती हूँ, क्योंकि जब एम्प्टी स्टमक हम कोई चीज खाते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाते हैं और हमें ज्यादा दुगना फायदा वो दे। लेकिन अगर आप एम्प्टी स्टमक इसको नहीं ले सकते तो आप किसी भी टाइम ले सकते, बट बेस्ट इज टू टेक इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। वैसे भी आंवले को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। तो मैंने जूस की बात करी, अगर आप जूस नहीं लेते हैं तो भी आंवला आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और उसको आप आंवले का अचार बना सकते हैं, आंवले की चटनी बना सकते हैं, आंवले का इंस्टेंट अचार भी बनता है कि आपने तुरंत बनाया 2-3 दिन के लिए और उसको खाया, और आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। तो आंवला हम अपने डाइट में कई तरीके से शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि हमने जूस लिया और उसको बना के पी लिया। आप 2 फ्रेश आंवले लें, उसको ग्राइंडर में डाल के उसका जूस भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रेश आंवला पूरा साल नहीं मिलता है, वो तो सीजनल है, सीजन में मिलेगा। तो जिस सीजन में फ्रेश आंवला नहीं मिलता है तब आप ये फ्रेश जूस ले सकते हैं। आंवला हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है।
हमारी इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति, और जब हम उस शक्ति को बढ़ा लेते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। और आंवला उसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसे ही नहीं आंवला को सुपर फूड या रसायन कहा है, आयुर्वेद में इसको रसायन कहा गया है क्योंकि आपकी बॉडी के हर पार्ट के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन की बात करी थी, मैं मॉर्निंग में वो आंवला जूस लेती हूँ और एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि 8:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाए, उसके बाद बीच में कुछ नहीं लेती हूँ, और 11 बजे के आसपास मैं पीती हूँ एक बड़ा सा गिलास लस्सी का, छाछ का, और फिर लंच हमारा होता है 1:30 बजे के करीब। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, मॉर्निंग से लंच तक का रूटीन है। बीच में मैं स्नैक्स नहीं लेती हूँ, मैं मार्केट का जो बिस्किट वगैरह है नहीं लेती हूँ। कभी कभार हुआ कि महीने दो महीने में एक बार ले लिया तो अलग बात है, अदरवाइज मैं ये चीजें नहीं खाती हूँ। पैकेट वाली कोई चीज नहीं खाती हूँ, आटा अपनी चक्की पर पीसती हूँ और वो आटा हम खाते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने की, अपने आप को हेल्दी रखने की, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई हेल्दी रहे। अगर छोटी छोटी चीजें अपना के हम हेल्दी रह सकते हैं तो क्यों नहीं रहा जाए। हेल्दी चीजें अपनानी चाहिए, और हेल्दी चीज में आंवला इज द बेस्ट थिंग। सस्ता और सेहतमंद, ये महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता आता है। सीजन में आप फ्रेश आंवले का जूस पियो, सीजन नहीं है तो आप ये डाबर का आंवला जूस लेके पी सकते हो, लेकिन इसको पीने से आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, डाइजेशन को अच्छा कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। मेरा रूटीन आपको नहीं लगा होगा कि कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ज्यादा करती नहीं हूँ, इतनी मिनिमम चीजें करती हूँ जिससे मेरी सेहत अच्छी बनी रहे। और आई होप कि आप भी कोशिश करेंगे कि अपनी सेहत को अच्छा बनाएं, आंवले को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, जूस को एक बार ट्राई करके देखें, आपको खुद इस लगेगा कि कितना फायदा इससे आपको हो रहा है। अगर आप डाबर का खरीदना चाहते हैं तो इसका प्रोडक्ट लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख के इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे ट्राई करके देखें, और ट्राई करने के बाद एक हफ्ते में ही आपको बहुत डिफरेंस पता चलेगा। फिर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।